हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। अस्सलामुअलैकुम, शिब्बू के किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल सी रेसिपी जिसे हम पालक चिकन क्रिस्पी कहते हैं। तो इस डिश को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स लगेंगे वो हम आपको लाइन वाइज बताएंगे, तो हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसके हमने ऐसे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच, चावल का आटा 1 चम्मच, मैदा 1 चम्मच, 1 अंडा, ग्रीन फूड कलर। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच व्हाइट तिल ऐड करेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक हम लास्ट में ही ऐड करेंगे क्योंकि फूड कलर में भी जो होता है नमक होता है। अब हमने यहाँ पर पालक ली है जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को जो हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। हम इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ऑयल में। अब हम इसे टर्न करेंगे, हमें इसे फौरन टर्न नहीं करना है, एक साइड फ्राई अच्छे से होने के बाद ही टर्न करना है। पालक चिकन जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए गाइस, पालक चिकन क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुके हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।